न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। अब देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को कई सौगातें मिली हैं या मिलने की नींव रखी गई है। इन सौगातों ने लोगों के जनजीवन पर काफी असर डाला है। इसमें से कई सौगातें काफी अच्छी हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 9 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। रिपोर्ट आप देखिए। मनोहर लाल ने सौगातों को लेकर एक बार फिर से जानकारी दी और कहा कि 1857 के शहीदों की याद में शहीद स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 539 करोड़ रुपए से बन रहे इस प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा हो गया है। 2024 के आरंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन कराने की तैयारी है। सीएम सिटी कर्ण नगरी को पिछले 9 साल में बड़ी सौगात कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की मिली। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 2017 को किया था। ये देश की सबसे बड़े ओपीडी वाले मेडिकल कॉलेजों में शुमार है। सीएम मनोहर लाल ने हरी हरी योजना का भी जिक्र किया और आशा वर्करों को दी गई सौगात के बारे में जानकारी दी। इनका वेतन, ये जब हम आए थे उस समय सिर्फ वेतन क्या मानदेय 500 रुपए था सिर्फ 2014 में, आज 6100 रुपए किया मानदेय। उसके अलावा उनको अलग से जो उनकी योजनाओं की स्कीमों का जो मिलता है इंसेंटिव, वो अलग है। वो अलग अलग प्रकार से, किसी का 5000 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये भी ऐसी हमारी बहनें ले जाती हैं। तो इसलिए इनका भी हमने अभी 6100 रुपया वो कर दिया है। एक योजना हमने हरी हरी योजना चलाई। हरी हरी योजना यानि ऐसे बच्चे जो अबंडंड है, एक अबंडंड है, एक सरेंडर्ड है। सरेंडर्ड तो यह है कि माता पिता में से ही कोई आदमी किसी बाल गृह में छोड़ गया, अभी हम नहीं पाल सकते, आप इसको पाल दीजिए, कम से कम उसका परिवार का पता है कौन है कहाँ है। अबंडंड वो हैं जो कहीं या तो मिल गए या कोई लावारिस छोड़ गए। कई जगह पर ऐसे वो बच्चे कौन है, कैसे हैं, क्या है, उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ, उसका पालन पोषण करने के लिए कोई सिस्टम तो हमारे बाल गृह हैं, सारे देश भर में है। लेकिन बाल गृहों में व्यवस्था क्या थी अभी तक, 18 वर्ष के बाद उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। 18 वर्ष के बाद कहते थे चलो बाहर जाओ, जाकर के अपने आप करो जो कुछ करना। हमने कहा कि नहीं, ये भी एक ऐसी जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, उसको 18 वर्ष के बाद भी संभाले, कोई तो संभाले। तो 18 से 25 तक की संभाल ये हरिहर योजना के अंतर्गत हमने उन बालकों के लिए, 18 वर्ष होने के बाद पढ़ाई वो करता ही है, मैट्रिक अथवा प्लस टू उसने कर लिया होगा, मैट्रिक कर लिया होगा तो ग्रुप डी, और 12वीं ये प्लस टू कर लिया होगा तो ग्रुप सी, ये नौकरी उसको एक्स ग्रेसिया नौकरी अपने आप में दे देंगे। अभी पिछले साल हमने ऐसे 11 बच्चों को ये नौकरी दी है और आगे भी इसका सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हमारे पास डाटा होता है। हर वर्ष जितने बच्चे उसमें 18 वर्ष के होते जाएंगे उनको काम देते जाएंगे, उसके आगे पढ़ाई करने का भी स्कोप उनका है। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी खर्च पर पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद आगे कंपटीशन में ग्रुप सी लें, ग्रुप ए लें, ग्रुप बी लें या ग्रुप ए लें, ये उनकी अपनी प्रेफरेंस पर है। लेकिन डी और सी ये उनको सुनिश्चित हमने कर दिए कि उनको ये नौकरी मिलेगी। 25 साल तक उनकी जो कमाई होगी, अगर वो सैलरी लेते हैं, वो अपना जमा रखेंगे, खर्च सारा सरकार करेगी जब तक 25 साल के होते हैं या उनकी शादी उससे पहले हो जाए। बालाश्रम गृह वाले वो हमारी शादी की व्यवस्थाएं आपस में करते हैं, उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनका परिवार अपना बस जाता है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट। तो ये हरिहर योजना एक यूनियो की योजना हमने बनाई है। हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी, इसको अपग्रेड करके प्ले वे स्कूल 4000 की पहले हमने बनाए हैं और एक नए 4000 की घोषणा की है। कल ही एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि आगे से प्ले वे स्कूल जो हैं उनका नाम रहेगा बाल वाटिका, और उसमें
क्योंकि नई शिक्षा नीति में अब ये प्लेवे स्कूल जो हैं यानी बाल वाटिका जो है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन सहज से जाएंगे जब तक वो बाल वाटिका में शामिल नहीं होते, आंगनवाड़ी में है तब तक उसमें रहेंगे, जैसे वो आंगनवाड़ी से और स्कूलों में जाते जाएंगे फिर वो शिक्षा विभाग के साथ जुड़ जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में भी हमने 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया है कि भी 50% महिलाएं होंगी, 50% अन्य होंगे, ये भी अभी इस समय हमने किया है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लिंगानुपात 2014 में 871 था और अभी पिछले महीने का जो डाटा हमारे पास आया है वो 932 आया है, तो इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट जो हुई है ये भी एक सामाजिक एक ये कहना चाहिए कि सुधार की तरफ एक आंदोलन की तरफ ये काम हमने 2014 में 15 में शुरू किया था और उसके लिए बहुत से विभागों ने काम किया, सामाजिक संस्थाएँ NGO पंचायतें सब ने काम किया, लेकिन संतोषजनक आज स्थिति है कि 932 का उसका आंकड़ा पहुंचा है और आगे सुधरे ऐसी हमारी योजना है। जैसा मैंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 12 लाख किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपया ये सीधा हमने डायरेक्ट डाला है, हर एक एकड़ की फसल की और एंट्री होती है, वरना पता ही नहीं होता था प्लानिंग में, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंकड़े कुछ और होते थे, एग्रीकल्चर के कुछ और होते थे, इरीगेशन के कुछ और होते थे, फसल के आंकड़े ही मिलते नहीं थे। ये जब से ऑनलाइन हुआ शायद 3 साल हो गए, तो इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है, जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गए, अपने मन से खर्च करते हैं, तो इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा कारगर उपाय ये किसानों के लिए हमने किया है। प्राकृतिक आपदा 2013 में जो सिर्फ 6,000 रुपये थी और 13 के नवंबर इन्होंने 10,000 घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई एक पैसा दिया नहीं था, हमने आते ही उसको 10,000 का 12,000 किया था, बाद में 15,000 किया, यानी जो 6,013 में था आज वो 15,000 रुपया है, और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी उसके बाद शुरू हुई, उसमें तो जो प्रीमियम भर के अपना कोई नुकसान का यानी मुआवजा लेता है उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक भी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है कि पूरे एरिया में कैसा नुकसान हुआ, क्या फसल है और उस क्रॉप कटिंग में किस प्रकार से उसको मिलता, यानी 15,000 तो न्यूनतम देते ही देते हैं, तो बहुत बड़ा एक लाभ उनको मिला है। अभी तक इस 9 साल में हम इस मुआवजे में 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं, 11,000 करोड़ रुपया, जबकि पिछली सरकार ने कुल मिलाकर के अपने 10 साल में 1,158 करोड़ रुपये डाले थे, वी आर 10 times। वो अलग है, ये सिर्फ सरकारी जो हम जो कंपनसेशन देते हैं आपदा वाले, उसमें MSP पर हमको पता है कि मेन फसलें तो वही होती हैं जो सारे देश में होती है, लेकिन हमने छोटे लेवल पर भी जिनकी फसलें बहुत कम होती हैं उनको भी MSP पर किया, तो 14 फसलें हम MSP पर खरीदते हैं, हालांकि बहुत पूरी जरूरी होती नहीं है, जैसे मूंगफली खरीदते हैं, जैसे मूंग खरीदते हैं, जैसे तिलहन खरीदते हैं, तिल खरीदते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी हम खरीदते हैं। इसी प्रकार से जो चीज़ हम न खरीद सकें, एक फसल खास करके इसमें हमने वो जुड़ी हुई है परमानेंट हुआ बाजरा, उसमें भावांतर भरपाई योजना कि मार्केट रेट और जो MSP है उसके बीच का अंतर, ये हम किसान को देते हैं, उसके खाते में डालते हैं, और पिछले 4 साल से ये सफलतम प्रयोग चल रहा है। इस बार भी हमने 300 रुपये से घोषणा की, 300। अब धीरे धीरे MSP का और बाजार भाव का गैप कम होता जा रहा है, वरना ये पहले हमने 600 किया था, फिर ये 450 हुआ था, इस बार 300 है। हम तो चाहते हैं कि मार्केट रेट MSP बराबर हो जाए, सरकार को खरीदना ही ना पड़े, बाजार में ही बिक जाए। दक्षिण हरियाणा के टेल्स पर 300 टेल्स में 39 साल के बाद पानी पहुंचाया, आफ्टर 39 ईयर्स, वरना तो वो नहरें तो बन गई थी, चौधरी बंसलाल जी के समय पर टेल खाले नहरें आखिर तक बना दिए, पानी नहीं पहुंचा पाए हमने उसका, हालांकि पानी हमारे पास आज भी कम है, लेकिन फिर भी योजना बनाना यानी उसका प्रबंधन करना, उसमें से ही कहीं मानव में लगता है ज़्यादा पानी जा रहा है उसका थोड़ा कम करना, पानी बेकार जा रहा है उसको डाइवर्ट करना, या खास करके बरसात के दिनों में पानी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए, वरना तो बरसात में तो पानी रोक ही देते थे कि बढ़े नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ ना आ जाए,
हमका एक एक दिन हमारा केवल 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जब अखनीकुट में पानी होता उस दिन बंद करते हैं। उस 1 लाख के क्यूसेक तक लगातार दक्षिण हरियाणा में टेल तक पानी 3 महीने तक हम भेजते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जैसा चिरायु और आयुष्मान का मैंने बताया ही है कि बहुत बड़ी एक सुविधा हमने दी है। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर पूरा फोकस रखा है। पिछले 9 सालों में MBBS की सीटें 700 से बढ़कर 2185 हो गई है। वहीं PG स्नातकोत्तर की सीटें 289 से बढ़कर 851 हो गई है। प्रदेश में इस समय 5 नए मेडिकल कॉलेज और 5 नए नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हर जिले में 1 बनाने की जो बात थी घोषणा सब जिलों की हो गई है। कुछ जिले पाइपलाइन में यानी अभी है, जमीनें वगैरह ली जा रही हैं, कुछ जगह निर्माण कार्य शुरू हो गया, कई जगह उसके उद्घाटन भी हो गए हैं। आंकड़ों के रूप में यदि बताता हूं तो जो वर्किंग मेडिकल कॉलेज 2014 में 6 थे, आज वर्किंग मेडिकल कॉलेज सरकारी तौर पर ये 15 है। प्राइवेट अलग नहीं, इसमें प्राइवेट है, प्राइवेट मिला के तो 6 थे, प्राइवेट मिला के आज वो 15 है। और नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स का अगर MBBS की बात करूं तो उस समय 700 एडमिशन होते थे, क्योंकि तो निश्चित है एडमिशन तो सरकार के माध्यम से ही होते हैं। आज ये एडमिशन हो गए 2185, मोर देन 3 टाइम्स। और अब जो बाकी 8 मेडिकल कॉलेज और हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, बन रहे हैं या घोषणाएं हो चुकी हैं, बहुत जल्दी उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये सब बनने के बाद ये संख्या 23 तो हो ही जाएगी, तब तक और हो सकता है प्राइवेट वाले भी कुछ आने की इच्छा करते हैं। 25 मेडिकल कॉलेज अगर होते हैं तो 3,500 MBBS की सीटें आने वाले 3-4 साल के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, कहीं आयुष विद्यालय नहीं है तो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, ये भी हरियाणा में बनाया। आयुष को बढ़ावा देना ये हमारी प्राथमिकता है। अभी पिछले दिनों में एक जगह आया कि आयुष का बजट बहुत लगेगा इसमें, तो हमने कहा भी आयुष का बजट लगाने में आपत्ति इसलिए नहीं है कि आयुष के बाद लोग बीमार कम हों, और अगर बीमार कम होंगे तो हमारा हेल्थ का बजट कम हो जाएगा। अल्टीमेटली तो शरीर के ऊपर लगने वाला बजट, वो स्वस्थ रहें इस पर लगाना ज़्यादा लाभकारी है। बीमार होकर के इलाज कराएं, अस्पताल में जाएं, डॉक्टरों की जरूरत पड़े, वो खर्च ज़्यादा है। बीमार ना हो ऐसे हम योग के माध्यम से, खान पान के माध्यम से आते सुधर जाएं, या आयुष की पद्धति से इलाज हो, तो इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हमने वेलनेस सेंटर्स के ऊपर भी एक प्लान अपना बनाया है कि जो योगशालाएँ हैं वहाँ सब जगह आयुष के वेलनेस सेंटर्स ये सब जगह बने, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो स्वामित्व योजना में लाल डोरा के अंदर 25 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको अपना मालिकाना हक ये मिला है, और ये योजना चलाने वाला भी हरियाणा प्रदेश पहले ही हमारा इनिशिएटिव है, और सारे देश में 8 प्रदेशों में तो ये लागू हो गया है। जैसे हमने कंप्लीट कर लिया है सारा ये काम अपना, बाकी प्रदेशों में भी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से साथ में शहरी जो स्वामित्व की योजना है जिसके अंदर 20 साल से पुराने ऐसे व्यावसायिक संस्थान जो म्यूनिसपैलिटीज के थे पहले, तो वो सारे उनको एक निश्चित रेट के ऊपर हमने दिए हैं, उनके नाम करा दिया, मालिक बना दिया। अब अन्य विभागों की ज़मीनें भी वहाँ थी, उसकी भी प्लानिंग बन गई है, वो भी सारी उनके नाम करा दी जाएँ, ताकि लोगों को पहली पीढ़ी कभी किराए पर लगी होगी, आज पैसा देने वाले लोग दे करके और अपना मालिक को उसमें बन सकते हैं। ये स्वामित्व शहरों में मोहित कितनी हो गई है? 3,500 के लगभग अभी हो गई है, 2,900 की रजिस्ट्री हो गई है, और बाकी प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसेस। वो तो लगातार अप्लाई करते हैं, फिर उनके कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको कोई पुरानी किराया, ऐसा भी ना हो ना कि कोई इलीगल बैठा है उसके पास कुछ है ही नहीं, वो भी कहीं मालिक बनाओ। तो कम से कम जो ऑथराइज है उनको 3,500 के आसपास है, लेकिन अभी और भी दूसरे विभागों की बाकी है। और पंचायतों में हमने इंडिपेंडेंस बहुत दी है उन लोगों को, यानी डिसेंट्रलाइजेशन और उनके उनका सशक्तिकरण कि अपने फैसले पंचायतें अपने आप करें, नगर पालिकाएँ अपने आप करें, हम उनको साल का जो बजट है वो निश्चित करके देंगे। कभी किसी सरकार ने निश्चित जो कैलकुलेटेड बजट उनको कभी नहीं पहुँचाया। हमने ये तय किया था कि 7% ऑफ SOTR वो उनको जाना ही चाहिए, दोनों मिलाकर के आबादी के हिसाब से शहर का 45% है, नगरी क्षेत्र का वो 55% है,
उसको हर गांव को, हर शहर को उसकी आबादी के हिसाब से बांटते हैं, 4 किस्तों में देते हैं। काम जो कराना है उन्होंने कराए। हमारे पास हर छोटी मोटी बात के लिए, गली के लिए, नाली के लिए, आखिरी काम लोकल बॉडीज का है, स्वच्छता का, इसका उसका। बड़े प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे लेकिन छोटे काम जितने वो अपने आप करें, अपना निर्णय अपने आप करें, तो ये विवाद बने। पंचायती राज संस्थाओं में 8% पिछड़ा वर्ग ए, इनको हमने आरक्षण दिया। कभी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण ये होता नहीं था, तो हमने पंचायती राज में दिया और शायद शहरी निकाय में भी दिया, शहरी निकाय में भी दिया। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बड़े संघर्ष के हाथ बनवाया। पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अंगूठा टेक का सिस्टम खत्म करो। इस नाते से गाँव का भी इसमें एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सफाई कर्मचारियों का जो 8100 रुपया था, आज 14000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हम दे रहे हैं। चौकीदार का जो 3500 रुपया था, आज 11000 रुपया दे रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी 214 रुपया थी, आज 357 है। हालांकि ये केंद्र के साथ हर एक प्रदेश का एक सिस्टम है बना हुआ, वही तय करते हैं, लेकिन फिर भी किस जगह महंगाई और बाकी सब देख करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से तय होता, तो ये 357 रुपया, ये भी सारे देश में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनकम के हिसाब से भी हरियाणा के लोगों की इनकम अच्छी है। उस नाते से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 31 लाख घरों में नल से स्वच्छ जल ये पहुंचाया है, और इसमें भी शायद हमारा सेचुरेशन हो गया। ये हमारा सेचुरेशन, हालांकि इसका टाइम लिमिट 25 तक ही है, हमने 22 टारगेट रखा था और 22 में हमने ये पूरा कर लिया। और इसी प्रकार बिजली जो मैंने बताई, 24 घंटे बिजली, ये भी 5800 गांव के अंदर सीधी पहुंच गई है। शहरी निकाय के नाते से अनधिकृत कॉलोनियों का विषय इसके बाद भी आएगा, एक आज भी कुछ करने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो योजना हमारी बन गई है उसमें 2547 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां जो या तो हो गई हैं या रजिस्टर्ड हैं, जो आगे उसमें होने वाली हैं, लेकिन इन सबको हम इस वर्ष के अंदर पूरा करेंगे। इतना बड़ा अभियान अनाधिकृत कॉलोनियों का ये कभी नहीं चलाया था। अगर पहले की भी थी तो केवल शहरी इलाके में की थी, अब हमारी लगभग 1000 के आसपास कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो शहरी जो लिमिट है उससे भी बाहर दूर बनी हुई हैं, किसी गाँव बड़े गाँव के आसपास बन गई, और गाँव वाले कई बार वो नगरीय इकाई बनाना नहीं चाहते, पंचायत रखना चाहते हैं, फिर भी वहाँ कॉलोनी विकसित हो गई, सुविधाएँ उनको भी चाहिए। कई बार कस्बों के आसपास इतनी दूर है कि सारा शहर के अंदर मिलाया नहीं जा सकता, तो ऐसी भी कॉलोनियां हैं जिनको हम अधिकृत करा रहे हैं, उन सब का भी आज बाद में सारा मैं बताऊंगा। शहरों के अंदर मेयर और अध्यक्ष का सीधा चुनाव, ये कभी सोचा पर नहीं था लेकिन हमने उसको सीधा कराया है, और मतलब इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके कारण से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक खेल खेला जाता था मेयर के और अध्यक्ष के चुनाव में, वो सब चौपट हो गया, उसको हमने खत्म कर दिया। 4 बड़े शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई हैं, पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज ये अलग से, यानी जो एमसीजी के या जो म्यूनिसिपल कमेटी या नगर निगम के लेवल के कामों से ऊपर के काम हैं, बड़े काम, बड़े हाईवेज हैं, बड़े एलिवेटेड रोड्स हैं, पुल हैं, ये सब या स्टेडियम्स हैं, तो ऐसे बड़े काम जो हैं वो सारे डेवलपमेंट अथॉरिटी कराएगी। वो जो काम अभी तक या तो HSVP कराता था या कहीं और विभाग उसमें लगते थे, लेकिन अब अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी बनाई, और बहुत अच्छा, कम से कम फरीदाबाद सोनीपत सबसे पहले शुरू हुआ था, गुरुग्राम तो बहुत अच्छा एक विकास आप लोग सब देखते ही हैं, वो उसके कारण से निकला है। फरीदाबाद भी अच्छा काम कर रहा है, सोनीपत में शुरू हो गया है, पंचकुला में शुरू हो गया, और 5वां वो हमने हिसार के अंदर भी इसको घोषणा की है, बहुत जल्दी उसका गठन भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार के 9 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री योजनाओं को गिनाते नजर आए। हर बार प्रदेश के मुखिया सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को गिनाते हुए नजर आते हैं और उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। 9 साल में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो आंकड़े बताए हैं वो जमीनी स्तर पर भी नजर आते हैं। We'll be right back.
और वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के विकास में हम बेहतर कार्य कर रहे हैं, बिजली को लेकर जनता को सुविधाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने बिजली को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि अब 24 घंटे बिजली आम जनता को मिल रही है। सीएम ने प्रदेशवासियों को खुशखबरी देते हुए कहा कि यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल प्लांट लगाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने प्रदान की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये थर्मल प्लांट हरियाणा को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। बिल्डर्स की और जो प्लॉट अलॉटिस का जो झगड़ा था उसमें केंद्रीय कानून के हिसाब से रेरा ये नया एक वो बनाया था, तो रेरा के दो यूनिट्स अपने यहाँ हैं, गुरुग्राम के लिए अलग से और बाकी हरियाणा के लिए अलग से। तो इसमें भी सुचारू रूप से काम जो चल रहा है, तो बहुत से जो ऐसे मकानों के प्लॉट होल्डर्स या जो फ्लैट होल्डर्स थे उनको काफ़ी उसका लाभ हुआ है। पावर डिपार्टमेंट जहाँ हमने 24 घंटे बिजली की बात कही है, वहाँ पर बिजली के जो लाइन लॉस हैं ये 2014 में हम देखते हैं भयंकर थे। कुछ गांव तो ऐसे थे यानी बिजली का बिल भरना वो अपना अपमान समझते थे, ये तो एक ऐसा सरकार का जजिया कर है, ये हम क्यों दें बिजली। तो उनकी धारणा क्या थी, शायद बिजली मुफ्त में आती है, पानी में से निकलती है, पैसा तो लगता ही नहीं, बिजली बिल क्यों भरें। लेकिन आखिर भले ये बात ठीक है कि उसके कोई रॉ मटेरियल के नाते कोई खर्च नहीं है, लेकिन पानी से बनाने के बाद उसका भी खर्च आता है, और हाँ अगर कोयले से बनाई जाए उसका भी खर्च आता है, फिर वहाँ इतना बहुत बड़ा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका भी खर्च आता है, तो उस सारे खर्च के नाते उसकी कॉस्ट तो बढ़ती है। जब ये समझाया हमने बहुत प्रेम से प्यार से सब समझाया सारा कुछ किया, पहली बात तो लाइन लॉस जो कुछ गाँव में 80% दर्ज किए गए और कुछ रिकवरी जो है बिलों की वो भी नहीं होती थी, कई कई साल के पड़े थे, उसकी कई योजनाएँ बनाई। अल्टीमेटली आज लाइन लॉस टोटल मिलाकर के एवरेज 13.6% रह गया, यानी और थोड़ा हम कोशिश करेंगे इट विल कम टू सिंगल डिजिट, कोशिश करनी पड़ेगी, अभी 13.6% है। और जो हमारा बिलों की रिकवरी है, जो बिल पे हो जाते रहते हैं उसकी रिकवरी जो 50-55% रहती थी अब वो 84% हो गई है। और बिजली की कंपनियां पहली बार हरियाणा की चारों बिजली कंपनियां जो है वो प्रॉफिट में आई है, और ये गुजरात के बाद हरियाणा इज द सेकंड स्टेट जिसके अंदर हम इसको कवर कर पाए हैं, बाकी अभी भी सारे प्रदेश जूझ रहे हैं इस घाटे में। कुसुम योजना के अंतर्गत जो सोलर पंप लगाने थे उसमें भी हरियाणा ने बहुत अच्छी अचीवमेंट अपनी की है, 56,000 सोलर पंप हम लगा चुके हैं और इस अगले साल का 70,000 नए सोलर पंप का एक टारगेट रखा है और उसको भी अब शुरू कर दिया है, वो किसी स्टेज पर होगा तो बहुत जल्दी इसको हम पूरा करेंगे। जो ओवरहेड लाइन है, हालांकि इसमें पहले लाइनें बेचती हैं फिर लोग बना लेते हैं मकान और सारा अपनी बिल्डिंग, बाद में फिर वो आखिर जनता तो जनता है, उनके कहने पर हमको हटाना भी पड़ता है। तो हमने 150 करोड़ के लगभग पिछले साल में इस पर लगाया था, 151 करोड़ रुपया इस साल का हमने इसको घोषित किया है, तो कुल मिलाकर 3,151 खतरनाक लाइनें ये हैं जिसमें से लगभग 3,000 हट चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो और नई लाइनों की पहचान हो रही है उसमें सब मिला करके 150 करोड़ रुपए का और जो राशि रखी है इसमें हम पूरा करेंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने नेक नियत और बुलंद इरादों के साथ जनता के अविश्वास को विश्वास में बदला है, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है और एक नया हरियाणा बना है, वाकई ये तमाम चीजें नजर भी आती है। सीएम ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब व्यक्तित्व के जीवन में सुधार लाने के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ये प्रयास वाकई देखने को भी मिलते हैं। जनसंवाद के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।